24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का वितरण को कभी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता था। वहीं योगी सरकार ने न सिर्फ बिजली के उत्पादन पर बल दिया बल्कि इसके वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बड़ी संख्या में नए कनेक्शन भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार का विशेष जोर सौर ऊर्जा के जरिए प्रदेश में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसके लिए अयोध्या को पहली सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वहीं सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश में 365 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क को विकसित किया जा रहा है। वहीं सरकार ने बिजली विभाग में सिटीजन चार्टर को लागू किया है, जिसके बाद अगर शिकायतों का तय समय में निस्तारण नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को ही हर्जाना देने का प्रावधान है। इन सब के बावजूद लगातार 4 साल में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी न होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए आप सभी उद्यमियों के साथ पिछले 3 महीने के अंदर तीसरा एक संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने सितंबर 21 से 25 के बीच में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखा होगा। लघु उद्योग भारती ही उसमें हमारे साथ सहयोगी थी और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानी उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक एग्जीबिटर इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे, तो फॉरेन बायर्स में भी 500 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई थी। 4 दिनों में 5 लाख से अधिक बायर्स वहां पर आए थे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देखा था।